झूठा वसूली का आरोप, एडिशनल डीजी और पुलिस आयुक्त अमरावती आरती मैडम और तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री उद्धव जी के खिलाफ एक बिना सबूत का एक वसूली का आरोप लगाया, उसके खिलाफ आज शिवसेना रास्ते पर उतरी है। नागपुर के कलमना पुलिस स्टेशन में रवि राणा के खिलाफ एक सौहार्दपूर्ण वातावरण खराब करने, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मुख्यमंत्री को बदनाम करने की साजिश के तहत झूठे बेबुनियाद आरोप लगाने के खिलाफ में उनके खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए कलमना पुलिस स्टेशन में हमने दिया है। आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस और गृह मंत्री देवेंद्र जी फडणवीस से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस प्रकार के आमदारों को, ये स्वतंत्र आमदारों को और खासदारों को इतनी छूट मत दो कि राजनीति दागदार हो जाए, पुलिस की वर्दी दागदार हो जाए। ये बेशरम लोग पुलिस को दागदार करने की कोशिश कर रहे हैं, शिवसेना बर्दाश्त नहीं करेगी। यदि पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया तो पुलिस के सम्मान में अपने आदरणीय उद्धव जी के लिए ये शिवसेना रास्ते पर उतर कर आंदोलन करे। अमरावतीचे CPN यांच्यावर आरोप लावलं की 7 करोड रुपये ते दर महिन्याला शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे साहेबांना देतात, हे निराधार आणि खोटे आरोप आहेत। शिवसेना हे कधीही बर्दाश्त करणार नाही, यांनी सिद्ध करावं, अन्यथा शिवसेना रस्त्यावर उतरून रवी राणावर आम्ही मानहानीचा दावा करू आणि त्याला नागपुरात आणि महाराष्ट्रामध्ये कुठे फिरू देणार नाही, याची दखल पोलीस यंत्रणेनं घ्यावी आणि सरकारने घ्यावी। हे खोटे आरोप करून फक्त प्रसिद्धी मिळवणे आणि फक्त मंत्रीपद मिळवण्यासाठी या दोघही बबली बंटी, दोघही नवरा बायको ह्या महाराष्ट्राचं वातावरण खराब करत आहेत। शिवसेना हे कधी बर्दाश्त करणार नाही। आम्ही आज सडकेवर उतरलो, आंदोलन केलं, आम्ही आज कळमना पोलीस स्टेशन इथे आम्ही निवेदन दिलं पोलिसांना की यांच्यावर कायदेशीर गुन्हा दाखल करून त्यांना अरेस्ट करावं। राजकारणातील प्रत्येक अचूक बातमीचे सर्वात आधी अपडेट्स मिळवण्यासाठी सरकारनामाच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।